पाकिस्तान से अंजू लौट आई है और बोल रही है मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब खुश क्यों है, और अगर खुश है तो पाकिस्तान से वापस क्यों लौटी है, आटे की बोरी लेने के लिए? नहीं, अब अंजू का कहना है कि वो भारत लौटी है अपने बच्चों को लेने के लिए। अब आप तो जानते ही होंगे कि अंजू ने पाकिस्तानी नरसुल्लाह से शादी कर ली थी, उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, अंजू ने अपना धर्म और नाम बदलकर फातिमा रख लिया था। अब सवाल ये है कि क्या अंजू भी अब अपने बच्चों के साथ वही करना चाहती है पाकिस्तान ले जाके, क्या उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहती है? अब आप सब तो जानते ही होंगे कि माइनॉरिटीज की हालत पाकिस्तान में कैसी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अंजू क्या सच में अपने बच्चों को पाकिस्तान से लेने आई है, या फिर पाकिस्तान की दरिंदगी का एहसास अंजू को हो गया है और पाकिस्तानियों ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। आपको बता दें, अंजू बुधवार को बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के लाहौर से भारत के अमृतसर शहर में लौट आई है। पाकिस्तान से रवाना होने से पहले अंजू ने पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों से बातचीत की थी। बातचीत में अंजू ने कहा कि यहाँ रहने के दौरान उनको बहुत सम्मान मिला, इतने महीने में कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि वो किसी परेशानी में है। अंजू ने बताया कि यहाँ कभी भी मुझे किसी भी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ, यहाँ मुझे अपनेपन के साथ रखा गया। पाक स्टार ग्रुप ने खास तौर से मेरी बहुत हेल्प की। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आप इंडिया जाएं या दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएं, हमें मत भूलिएगा, हम आगे भी आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। इस पर अंजू ने कहा कि वह कतई पाकिस्तान को नहीं भूलेंगी। आपको बता दूं, कुछ समय पहले अंजू ने कहा था कि उनको अपने बच्चों की याद आती है, ऐसा अपने बच्चों के लिए वीजा और आगे नहीं बढ़वाना चाहती थी और भारत लौटना चाहती थी। नसरुल्ला ने भी कहा था कि अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है, तो ऐसे में उनका भारत जाना बेहतर है। अंजू के इससे पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भारत लौटने की खबरें आई थी, लेकिन दस्तावेज प्रक्रिया में समय लगने की वजह से वो भारत नहीं लौट पाई थी और अब अंजू भारत लौटी है। बता रही है अंजू कि वो अपने पिता के घर जाएगी, यानी राजस्थान जाएगी, लेकिन उसके पिता ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है, उससे घर से बेदखल कर दिया है। यानी अब अंजू अपने पिता के यहाँ तो जा नहीं सकती है, अपने पति से वो तलाक लेना चाहती है, बच्चों को वापस ले जाना चाहती है। अब ऐसे में अंजू कहाँ जाएगी, ना घर के ना घाट के। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।